दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी टीचर्स में जो है वैकेंसी निकाली गई है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की। ठीक है दोस्तों, दो पोस्ट आपकी निकाली गई है जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए। ऑल इंडिया से फॉर्म निकाले गए हैं, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, पूरा वीडियो देखना। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पर आ जाना है। आने वाले नीचे आएगा, स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं 15 जून, लास्ट डेट आपकी 30 जून रखी गई है, पेमेंट डेट आपकी 30 जून तक आपको करनी है। एग्जाम डेट नहीं है, जनरल ओबीसी डलस अदर स्टेट वालों के 750 रुपये फीस है, एससी एसटी पीएच वालों की 200 रुपये फीस है, जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए फ़ीस है। जनरल से फॉर्म को फिल करेंगे तो ये फीस लगेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए बिहार के डोमिसाइल वालों के लिए 200 रुपये फीस लगेगी। 1 अगस्त 2024 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी। पेमेंट आप फ़ोनपे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 37 ईयर है, और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर फीमेल की है। 118 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, 113 और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, बीटेक मांगी गई है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका एग्जाम होएगा, फिर आपका मेरिट बेस लगेगी। अप्लाई ऑनलाइन के सामने जाएगी, क्लिक कर देगा आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का ओपन मिलेगा। अब आपको जिस पोस्ट के लिए भी आपको आवेदन करना है, यहाँ पे आपको सामने उसका राइट का बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है 10वीं की मार्कशीट में। फिर आपको अपना मिडल नेम, लास्ट नेम में डाल सकते हैं, नहीं है छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आएगा आपके पिताजी का नाम, तो अपने पिताजी का नाम आपको फिल करना है। मात अगर फीमेल फॉर्म भर रहे हैं तो इस हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा माताजी का नाम, उसके बाद आएगा मैरिड है, इन मैरिड है, अदर्स है, वो आप सेलेक्ट करिए, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करिए। आधार नंबर आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको अपलोड करना है आधार कार्ड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बोला गया आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिनल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल है, इशू डेट डालनी है, फिर आपको उसे अपलोड भी करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अगर है तो यस यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा, अभी यही इसी तरह से रहेगा आपका, ये जनरल में अकाउंटिंग हो चुका है दोस्तों। आप अब नीचे आना है, यहाँ पे एक सर्विस मैंने यस करी है, नहीं तो नो, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप डालिए अपना 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो दोनों में एक से एड्रेस डाल देना, अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं आप, वो आप देख लेना कौन सा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे नो, यहाँ पे यस ही रहने देना है। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है कंफर्म करने के लिए, दोबारा से ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है, कैप्चर मिलता है कैप्चर डालना है, ये कैप्चर डालने के बाद सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और यूजर नेम आपका सारा कुछ मिल चुका है। अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो पासवर्ड मिला है वो डालना है, कैप्चर डालना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे इस तरह से अपने पोर्टल में, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैंसिल रजिस्ट्रेशन का, अगर आपको कैंसिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन, कोई गलती हो चुकी है आपके
रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, ठीक है दोस्तों। दोबारा से आप भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, दोबारा कर सकते हैं मतलब कैंसिल करके। तो अगर आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, आप इस वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, प्रोसीड करोगे, ओके करोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो मेरी पेमेंट लग रही है वो देख सकते हैं, मेरी 750 रुपये लग रही है क्योंकि मैं जनरल से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। दिखा देता हूँ आपको पेमेंट, ये वाली पेमेंट लग रही है 750 रुपये। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग ऑप्शन भी आया है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, जिससे भी आपको ठीक लगता है वो आप पेमेंट आप कर लीजिए दोस्तों। पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना BPSC असिस्टेंट इंजीनियर एंड मैकेनिकल्स का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया से फॉर्म है दोस्तों, और पेमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। अगर नेट बैंकिंग से करेंगे, नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना। यहाँ पर ICICI बैंक, अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद डेबिट कार्ड पर आते हैं, डेबिट कार्ड पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर रुपया कार्ड है या अदर कार्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो डेबिट कार्ड से आपको मैं बता देता हूँ, डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। अगर आपका रुपया कार्ड है या अदर कार्ड है तो आप रुपया कार्ड का भी ऑप्शन ही हुई है, इस पर भी आप जैसे अदर वाले क्लिक किया, ये प्रोसीड पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा अपने एक्सपायरी डेट कार्ड की, उसके बाद CVV नंबर आपको डालना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दे करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, और उसके बाद ही आपकी पेमेंट कटेगी जब आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आपको फाइनल आगे का जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन से लेकर फ़ोटो सिग्नेचर सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा। आगे की वीडियो नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। तो मैं फ्री फंड किसी का फॉर्म नहीं भर सकता, अपना भी फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि ये मेरा मतलब का फॉर्म नहीं है। अगर आपके मतलब का फॉर्म है तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, अगर आपके मतलब का नहीं है तो मत कीजिए। बाकी मैंने आपको बताया है बस कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे पेमेंट करनी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में वो ही मैसेज करें जो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखे हैं, क्योंकि जो मुझे सपोर्ट दिखा रहा है मैं उन्हें सपोर्ट दिखाता हूँ। कुछ भी आपको पूछना है, मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने भी किया हुआ है वे मेरे से किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज वगैरह पूछना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।